हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्लास 12। अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेसेस। लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर एंड 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। एज्यूम दैट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड लेट ई वन एंड ई टू कॉमा ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट नो द आंसर गेसेस एंड आंसर गेसिस द आंसर एंड आंसर करेक्टली रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ इवन। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई वन इज गिवन। सेकंड इज समेशन के इक्वल टू 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई के इज गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। ठीक है, तो इन सभी पार्ट को सोल्व करना है। की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का यूज करेंगे, हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हमारा गिवन हो, तो ये आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, इवन हमारे पास इवेंट क्या है, स्टूडेंट नो द आंसर, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो डायरेक्टली तो 3/5 ही आ गई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारी तो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, कितनी है, 3/5 है। सेकंड में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवन इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवन इज गिवन ये हमें निकालनी है। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवन इज गिवन, यानी कि स्टूडेंट ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ई किसकी प्रोबेबिलिटी है, द आंसर करेक्टली इवेंट ई हम इवन हमारे पास इवेंट है, स्टूडेंट नो द आंसर, ई टू क्या है, गैस इज द आंसर एंड ई हमारे पास इवेंट है करेक्टली आंसर। अगर वो स्टूडेंट आंसर को जानता है, उसने क्या इवन क्या है कि आंसर उसको पता है, आंसर उसने क्या क्या इवन हमारे पास क्या स्टूडेंट नोज द आंसर और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने करेक्ट किया, तो जब उसका ये तो श्योर इवेंट हो गई, श्योर इवेंट हो गई तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, डायरेक्टली 1 ही आ जाएगी, बिकॉज उसको इवन क्या है, उसने दे दिया कि इवन यानी कि स्टूडेंट को पता है आंसर क्या है, तो वो करेक्ट ही तो करेगा, जब उसको पता है आंसर तो करेक्टली आंसर मार्क करेगा, और ये हमारे पास उसी की तो इवेंट है, करेक्टली आंसर कर रहा है, तो ये तो श्योर इवेंट हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या करें, समीशन के इक्वल टू 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई के इज गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ये फाइंड करनी है, इसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई वन इज गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई टू इज गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन इज गिवन, ये तो 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 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 की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3/5 है तो इनटू 3/5 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए टू इज गिवन, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ई टू इवेंट हमारे पास क्या है, ई टू इवेंट, ई टू इवेंट, ई टू इवेंट देखते हैं, ई टू इवेंट क्या है, गैस इज द आंसर। अगर उस स्टूडेंट आंसर को गैस कर रहा है और करेक्ट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट एज्यूम दैट स्टूडेंट हु गैस इज द आंसर, गैस इज एंड गैस इज द आंसर विल बी करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की बने, 1/3, तो ये तो 1/3 की बने, और इंटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितनी है, गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5 इंटू 2/5, तो ये आ गया 3/5 प्लस 2/15, 15 फाइव 3 या 15 3 3 या 9 और 2 11/15 इसका आंसर होंगे। ठीक है, फिर क्या निकालना है और पार्ट में, ये तो थर्ड पार्ट आ गया, और पार्ट इसका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही
आंसर डिड करेक्टली, कि उसको पता है कि आंसर को करेक्टली मार्क करें, जबकि क्या गिवन है कि उसको पता है कि उसने, यानी कि आंसर उसको पता है, स्टूडेंट नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और गिवन हमें क्या है कि उसने आंसर करेक्टली मार्क किया है, तो बेस थ्योरम को यूज कर देंगे डायरेक्टली इसमें, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ई इज गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ई इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू व्हेन ई इज गिवन। ठीक है, तो डायरेक्टली पहले इसको पुट करेंगे, कितनी है 3/5 इंटू में 1 अपॉन 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 1/3, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 और अपॉन में कितना जाएगा 3/5 अपॉन में 11/15 आ जाएगा, है ना, 3/5 = 15, 3 3 = 9, 9 ऊपर चलाएगा, 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। होप इट सूटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।